हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिनों से आपको कोई वीडियो नज़र नहीं आई क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बिजी थे। क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ तो मैंने काफ़ी स्टोरीज लगाई थी कि हमने सिटी चेंज कर दी है फॉर द टाइम बीइंग। और अगर आपने मुझे अभी नहीं फॉलो किया तो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आपको करंट सिचुएशन का पता चल सके। सो हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहले हम जनरल बात करते हैं कि जब आप अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, सो आपको नए शहर में आप जाते हो, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, नया अपार्टमेंट सेट करना पड़ता है, नया लाइफ स्टाइल होता है बिल्कुल। और फिर जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आपका सब कुछ सेट हो चुका होता है, तो आपको नया स्टेप लेना पड़ता है, जैसे इंटर्नशिप हो गई, जॉब हो गई, फिर से आपको नया शहर में जाना पड़ता है, नया सिटी, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, नया अपार्टमेंट सेट करना पड़ता है। काफ़ी दुख होता है क्योंकि आपने इतनी मुश्किल से एक अपार्टमेंट, एक शहर में अपनी जगह बनाई होती है, अपने दोस्त बनाए होते हैं, पर फिर आपको वो सब छोड़ना पड़ता है। पर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सो नए शहर के बारे में बताने से पहले मैं आपको मैग्डेबुर्ग की कुछ बातें बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए ना मुझे लगा बेस्ट प्लेस थी मैग्डेबुर्ग। कितना अच्छा हमने आराम से, मतलब एक तो सदीव आपकी वहाँ पे फ्री 130 यूरो पर सेमेस्टर फीस थी, कुछ भी नहीं है, और उसमें आपकी सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो है पूरे सिटी में फ्री थी उस 130 यूरो में। उसके अलावा ग्रोसरी की चीज़ें मतलब इतनी सस्ती, मतलब सस्ते प्राइस में मिल जाती थी, पार्ट टाइम जॉब्स आपको आराम से मिल जाती थी, अमेजोन वहाँ पे था, हर्मस वहाँ पे था, और बाकी डिफरेंट कंपनीज थी जो आपको डिफरेंट जगहों पर भेजती थी आसपास। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ एकोमोडेशन आपको आराम से मिल जाती थी वहाँ पर और सस्ती भी मिल जाती थी। अब हम यहाँ पर आए ना, हमें पता चल गया एक तो इतनी महंगी एकोमोडेशन मिलती भी नहीं है, हमें इतनी मुश्किल से यहाँ पे एकोमोडेशन मिली है ना, पर फिर भी मुझे दुख होता है कुछ लोग कदर नहीं करते। जो लोग मैग्डेबुर्ग में जैसे रह रहे हैं कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, सब कुछ खुश हैं, मतलब हर चीज़ मिली हुई है उनको, पढ़ाई हो रही है, रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं यार बर्लिन में होता है एडमिशन तो क्या बात थी, हामबुर्ग में होता तो क्या बात थी। वो ये नहीं देखते कि वहाँ पे आपको कम से कम रहने की जगह ही नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो वो भी इतनी महंगी प्राइस में मिल रही है और वो भी छोटे छोटे से कमरे मिल रहे हैं। सो फिर कुछ लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे बड़े शहरों में आपको पे रेट काफ़ी मिलता है, वो ये नहीं देखते कि पे रेट तो ज़्यादा मिलता है पर आपके खर्चे भी उस हिसाब से हो रहे हैं, आपकी एकोमोडेशन महंगी है, आपकी जो ग्रोसरी की चीज़ें वो महंगी आ रही हैं। सो हिसाब तो आपको वही पड़ जाता है। सो मुझे काफ़ी याद आएगी मैग्डेबुर्ग की, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि बाद में फिर वहाँ पे दोबारा जाएंगे, वहाँ पे इतने दोस्त बनाए, इतनी यादें, मतलब आई थिंक 2 से ज़्यादा साल हमने मैग्डेबुर्ग में गुजारे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। मैं आपको बड़े शहरों की एक फ़ायदे की चीज़ बताऊँ कि अब यहाँ पे हम आए ना, सो यहाँ पे हमें आसपास सब लोग ना इंग्लिश बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं काफ़ी बड़े, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैग्डेबुर्ग में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको एक मज़े की बात आज बताता हूँ आपको कि मैग्डेबुर्ग में यहाँ पे ना सब स्कूलों में, जर्मन स्कूल्स में भी ना इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पर ये लोग बोलते नहीं क्योंकि इनको शर्म आती है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करते तो ये लोग फिर भूल ही जाते हैं कि इनको इंग्लिश भी आती है। अगर बड़े लोगों, चलो पुराने ज़माने में जो बुरे लोग थे उनको तो वाकई में नहीं आती होगी, पर अब तो सब स्कूल में पढ़ाई जाती है, मतलब सब यंग जनरेशन को ना आती है। पर उनका क्या रूल होता है, वो कहते हैं यू आर इन डॉयचलैंड यू हैव टू स्पीक जर्मन डॉयच। लेकिन अगर छोटे शहरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती तो आप इसको पॉजिटिव तौर पर भी ले सकते हैं कि आपको जितना आप जर्मन बोलेंगे आपकी इतनी इंप्रूव होगी। मतलब मैग्डेबुर्ग में हम रह रहे थे ना, तो हम लोग ना वहाँ पे तो इंग्लिश बोलते नहीं थे लोग पार्ट टाइम जॉब वगैरह में, सो हम लोग जर्मन बोलते, टूटी फूटी जर्मन ही बोलते थे, पर बोलते थे, हमारी प्रैक्टिस होती थी। अब यहाँ पे हम आ गए ना, सीरियसली मैंने अभी हमें हफ्ता ही हुआ है, मैं नोट करूँ कि हम जर्मन भूल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही। जहाँ पे भी हम जाते हैं हल्की से जर्मन बोली, उनको नहीं समझ आई, डायरेक्ट इंग्लिश पे पहुँच गए। इसलिए कहते हैं कि हर शहर के ना आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे, मतलब कहीं पर कुछ फ़ायदे हैं, कहीं पर कुछ नुकसान, सो आपको हर चीज़ को ना देख के हर चीज़ स्थिति को अपनाना पड़ेगा। चलो मैग्डेबुर्ग की तो बहुत बातें होगी, अगले सिटी की बात करें। वो एकदम अस्थान से ना बर्दाश्त नहीं होता, मैं मैग्डेबुर्ग की तारीफ कर रहा था, सोचते जल्दी से बात चेंज करो, अंदर से इसको भी याद आ रही है, मतलब रेंट वगैरह देखे ना अपार्टमेंट की, इसको अब नहीं यार मैग्डेबुर्ग अच्छा था। ऑफ कोर्स मैग्डेबुर्ग अच्छा सिटी था, लेकिन मैं हमेशा कंपेयर करता हूं स्टूडेंट लाइफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों देख के चलना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ के लिए बेस्ट प्लेस है आपके लिए क्योंकि आप वहां से आराम से ना अपने एकोमोडेशन बहुत सस्ती थी, सेव भी कर सकते हो और अपने घर भेज सकते हो। बड़े शहरों में अगर आप जॉब या इंटर्नशिप वगैरह ना, तब आप जरूर आओ कि बड़े शहरों में आपको लैंग्वेज का भी आपको फायदा होंगे, यहाँ पे इंग्लिश आप आराम से बोल सकते हो। So why not? So हम कहाँ आ गए हैं? तो हम मूव हो गए उल में, जो कि बाडन वुर्टेनबर्ग का एक सिटी है। और हम क्यों आ गए वो आपको थोड़ा आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा कि किस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और अब हम आपको उल के काफ़ी सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी यहाँ पे ना अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं उल में। और अभी भी हम आपको आज की वीडियो में भी इसमें थोड़ा सा हम एक कॉन्सर्ट वगैरह पे जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी यहाँ पे ना प्यारा रिवर है, रिवर है, सी है, लेक है, सी है यहाँ पे उल की, वो भी आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, मतलब काफ़ी डिफरेंट है, ऑब्वियसली बड़ा शहर है, मैग्डेबुर्ग से बड़ा शहर है, सो काफ़ी आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफ़ी आसानी है, आराम से वही ट्राम्स वक्फे वक्फे ट्राम्स आ जाती हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद मस्जिदें वगैरह भी हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अच्छा मज़े की बात यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कम है और जो है ना वो पेड है, मतलब यहाँ पे इसलिए आपको इस स्टेट में सारी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी फीस है। हाँ, क्योंकि जर्मनी में कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे ही इनकी फीस होती है, मतलब काफ़ी फीस होती है, और स्टूडेंट्स जो है वो बचने के लिए तो आते हैं जर्मनी के, यहाँ पे पढ़ाई सस्ती है, लेकिन वरना वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है, वो जर्मनी क्यों आएंगे। लेकिन इसीलिए यहाँ पे पेड कोर्सेज हैं तो काफ़ी ना कम हमें स्टूडेंट्स कम है, मतलब पाकिस्तानी इन कम स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमें अभी कल रिसेंटली जुम्मे के
बाद में दो स्टूडेंट नजर आए पाकिस्तानी, वो मेरी वीडियोज भी देखते थे, सो काफी खुशी हुई यार हाँ यहाँ पे भी लोग हैं। तो उल्म जो है मैग्दीबुर्ग से काफी दूर है, क्योंकि हमें जो है 9 घंटे लगे थे यहाँ आने पे, नाइट ट्रेन थी और उसकी जो टिकट थी 40 यूरोस थी। हम काफी सोते हुए आराम से आए ना, लेकिन मजा आया बिल्कुल, और सामान भी काफी था हमारे पास, आपने देखा होगा वीडियोज में कितना सामान हम लेकर आए, क्योंकि नए शहर में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सो इसलिए हम सारी इतना अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर आए। आजकल तो ट्रेन भी फुल है, जिस तरह पाकिस्तान की ट्रेन होती है फुल, वैसे पैक होकर आ रही है, मतलब बिल्कुल बंदे की सांस लेने की जगह नहीं होती, इतने लोग आ रहे हैं। और एक और मजे की बात कि नेक्स्ट मंथ 1 जून से जर्मनी ने अनाउंस किया है कि 9 यूरो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट होगी, जो लेकर आप जर्मनी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें आप ट्राम ट्रेन बस कुछ भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं विद इन जर्मनी, लेकिन उसमें आईसी इंक्लूड नहीं है जो कि फास्ट स्पीड ट्रेन होती है। और अभी तो एक खबर और भी आ रही है कि अगर आप स्टूडेंट है ना, तो आप जैसे स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे और आपको वो 9 यूरो की टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ओबीजी वालों के लिए है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। देखें कितनी मैग्दीबुर्ग के रहे, कितने फायदे मैग्दीबुर्ग के, हमारे तो मैग्दीबुर्ग में रहे बहुत फायदे। नहीं नहीं मतलब अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो ऑब्वियसली आप मूव कर सकते हैं, लेकिन आते जाते रहे ना आपका ताकि कनेक्शन बना रहे। सो लास्ट वीक हमारा बहुत बिजी गुजरा, क्योंकि आपको पता है शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है, बेशक पाकिस्तान में कर रहे हो जर्मनी में कर रहे हो ना, बेशक थोड़ा भी सामान होना, पर शिफ्टिंग करना बहुत अजाब हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आपको पूरा अपार्टमेंट अपना खाली करना पड़ता है। अब हम अपना अपार्टमेंट जो है ना अभी सब कॉन्ट्रैक्ट पे देकर आए, मतलब बिल्कुल खत्म हमने नहीं कर दिया कॉन्ट्रैक्ट उसका कि हम उसको देकर आ गए किसी को, लेकिन बिल्कुल पूरा साफ करके दिया, खाली करके दिया, सामान सारा लेके आया, कुछ दोस्तों के पास रखवाया, तो बहुत ना बिजी हफ्ता गुजरा, सांस लेने का भी टाइम नहीं था। तो अब जाके ना इसी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली लास्ट वीक भी, तो उल्म के भी काफ़ी फायदे हैं क्योंकि यहाँ पर मस्जिदें काफ़ी ज़्यादा हैं और हलाल मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पे आपको आराम से हलाल खाने को मिल जाएंगे, बड़ा शहर है यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे ना जर्मनी के सब शहरों में काफ़ी अरबी लोग होते हैं, तो आपको हलाल चीज़ें तो आराम से मिल जाएंगी, मतलब हलाल खाना हो गया, मस्जिद हो गई। अभी लास्ट जुम्मे हमने नमाज पढ़ी माशाल्लाह, फुल मस्जिद ना फुल भरी हुई थी, और यहाँ पे एक मस्जिद नहीं ज़्यादा मस्जिद है ना उल्म में, सो लेकिन फिर भी काफ़ी लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ने आए हुए थे। एक बड़ा फायदा कि यहाँ पर जो है स्टुटगार्ट और मुंशन बहुत पास है, स्टुटगार्ट 1 आवर की डिस्टेंस पर और मुंशन जो है 2 आवर की डिस्टेंस पर, कोई आपको काम पड़े तो आप फौरन जो है वहाँ पर जा सकते हैं। सो बरी ये बरी थे, हम सोचे हैं कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं म्यूनिख वगैरह में, हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, और बाकी बहुत सारे व्लॉग सोचे हैं मैंने दिल में, यहाँ की यूनिवर्सिटी जो उल्म यूनिवर्सिटी है वो आपको उसका टूर आपको दूंगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स है वो आपको दिखाऊंगा। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं जो उल्म जो स्टूडेंट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, ताकि हम आपका जो है अपार्टमेंट दिखा सकें, आपकी यूनिवर्सिटी दिखा सकें, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ना यार। सो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो थी, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम जो है मैग्दीबुर्ग से उल्म शिफ्ट हो गए हैं, और किस वजह से, वो आपको आने वाली वीडियोज में पता चल जाएगा। और बाकी अगर आपने मुझे कोई चीज़ पूछनी है तो YouTube पे तो आप कमेंट्स करते हैं, पर मैं ना YouTube पे थोड़ा आंसर्स नहीं दे पाता, तो अगर आपने कोई मुझसे वाकई में क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर ना हर रोज़ चेक करता हूँ, और काफ़ी मैं आंसर सबको देता हूँ जो मुझे जब मुझे टाइम मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई YouTube चैनल, विच इज़ इमरान सलीम, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।